और व्यू 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 इसी को देखने के लिए आते हैं इतने दूर। तो अभी आ चुके हैं हम लोग त्रिगुरी नारायण मंदिर। इस मंदिर में बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं कि शिव जी और पार्वती जी की शादी हुआ था। और यहाँ पे तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ जी है, नारायण भगवान जी है। जी जी, नारायण भगवान जी को साक्षी मांग के, विष्णु भगवान जी को साक्षी मांग के यहाँ पे शंकर और पार्वती ने शादी किया है। जी जी जी, तो ये अखंड धुनी तीनों युगों की अभी तक जल रही है। जी जी, अच्छा अंदर में राजा बलि को इन्होंने यहीं से पाताल भेजा था। हाँ हाँ, यहाँ इनकी जन्म स्थानीय है, बावन रूप यहीं से हुआ था। जी जी, और बद्रीनारायण में तपस्या करने चले गई थी। जी जी, तो यही यहाँ का महत्व है, यहाँ की विशेषता है। जी जी, कई लोग यहाँ पे शादी करने आते हैं, कई लोग यहाँ पे फेरे लेने आते हैं। हाँ हाँ, सालगिरह पे आते हैं। तो माना जाता है कि जो शादी यहाँ पे करता है उनका जोड़ा हमेशा खुशी रहता है, खुश रहता है। जी जी, तो ये भैया बता रहे थे, आपका नाम भैया? राजेंद्र भाई हैं, बता रहे थे। तो ये मंदिर आए हुए हैं, आई होप आज वैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। यहाँ पे रुके हुए थे रात में, कहीं पे ये जगह पे रुके हुए थे। यहाँ से 200 मीटर में ये होटल लिए थे, रात को रुक गए थे क्योंकि सोनप्रयाग में कल बहुत ज्यादा भीड़ था, क्योंकि केदारनाथ के लिए जाने नहीं दे रहे हैं अभी बारिश की वजह से, और रोक दिए हैं। तो वहाँ पे होटल से पूरा बुक हो गया था। तो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भैया ने महत्व बता दिया है, तो दर्शन करते हैं। शिव पार्वती जी का यहाँ पे भी आवा था, इसलिए मूर्ति है यहाँ पे। और ये मेन मंदिर है विष्णु जी का, ये यज्ञ कुंड है जहाँ पे फेरे लिए थे शिव पार्वती जी ने। ये अखंड जलते रहता है ना। तो अभी अंदर जाते हैं, इधर से बंद है, इधर से जाना पड़ेगा राउंड लगा के। बहुत बारिश हो रहा है तो मैं कैमरा भी निकाल पा रहा हूँ ठीक से। बंदा खिड़की जैसे बना हुआ। इधर से जाते हैं अंदर। ओम अंदर फोटोग्राफी लावनी था। तो यहाँ पे भगवान शिव जी और पार्वती जी ने भगवान बद्रीनाथ जी मतलब विष्णु जी के अवतार हैं उनको साक्षी मान के मतलब यहीं फेरे लिए थे। अंदर में कुंड है तो वहाँ पे पूजा अर्चना का विधान है। और वहाँ से फिर बद्री विशाल जी जो भगवान जी है वो बद्रीनाथ चले गए थे तपस्या करने के लिए। तो ये कुछ स्टोरी शॉर्ट में। और यहाँ पे 5 कुंड है। ये जो मंदिर है ना बहुत पुराना है, त्रेता युग के टाइम का है। और तीनों युगों तक ये मंदिर है, पूरा वुडन स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर पूरा वुडन से बना हुआ है। बाहर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो इस तरह से है। बारिश हो रहा है लेकिन ये जो पूरा मंदिर है अंदर से पूरा वुडन है और लकड़ी का है अंदर। और यज्ञ चलते रहता है वहाँ भी, यज्ञ कुंड में डालने का भी विधान है लकड़ियों का। 1, 2, 3 ऐसे विष्णु कुंड है, सरस्वती कुंड है, नारद कुंड है, सभी कुंड बने हुए हैं। तो प्राचीन मंदिर था, बहुत ही पुण्य वाला मंदिर है इसलिए यहाँ है। और यहाँ पे भीड़ भी कम है ना, क्योंकि जहाँ पे ओरिजिनलिटी रहती है ना वहाँ पे कम भीड़ रहता है। ये कुंड देखो, पीछे कुंड था, ये कुंड था और ये कुंड है। तो वैसे 5 कुंड है यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे। तो ये बद्रीनाथ के रास्ते जा रहे हैं, तो ये बीच में ऐसे प्राकृतिक नजारे। बहुत डेंजरस रोड है, थोड़ा सा बारिश में दिक्कत हो जाता है इस तरह के रास्तों में गाड़ी चलाना, और काफ़ी कंजेस्टेड भी रोड है। अभी केदारनाथ जाने के लिए रास्ता रोक दिए हैं तो थोड़ा ट्रैफिक कम है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा वन वे हो जाता है, तो थोड़ा सुविधा हो गया है। लेकिन बारिश बहुत तेज है ना, तो मुश्किल हो रहा है। ओके जी, सो सिचुएशन ऐसा है कि एकदम अभी बारिश हो रहा है, छतरपुर जैसे ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग करना बहुत ही रिस्की है लेकिन यही रास्ता है भाई, एक ही रास्ता है, देख सकते हो किस तरह से है। कितने खूबसूरत खूबसूरत नेचर है यार, इधर देखो जबरदस्त लग रहा है पहाड़ों में। अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ फाटा होते हुए, सेरसी फाटा होते हुए गुप्त काशी जा रहे हैं। गुप्त काशी से उठी मठ वाला एक रास्ता है, उठी मठ मुखी मठ, देन चोपता होते हुए जोशी मठ, देन बद्रीनाथ आता है, वो वाला शॉर्टकट रूट है। तो आज बारिश का मौसम है पूरा, केदारनाथ की यात्रा बंद कर दिए गए हैं, मतलब उधर से जो आते हैं रुद्रप्रयाग से तो उधर के लिए तो बंद कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपडेट दे रहा हूँ। तो आज है 24 मई वैसे, तो अच्छा हुआ हम लोग टाइम पे दर्शन कर लिए। तो आप लोग जब भी आए तो सजग होके आएँ और इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, वेदर का इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आते हैं, देखो भोजनाला है, ये देखो व्यू भाई, रेस्टोरेंट से व्यू,
उत्तराखंड देवभूमि यही है। मैं एक्चुअली ड्राइविंग कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो और मस्त नेचर दिखाता। मोटो व्लॉगिंग करते ना तो मस्त मस्त दिखता है। अभी जौ वगैरह की खेती होती है, धान वन नहीं होता। डन विद द लंच, मतलब ब्रंच बोल सकते, ब्रेकफास्ट लंच। खाना अच्छा था यहाँ, ऐसे मिलता थाली इसलिए थे, चार रोटी दाल चावल सब्जी वाला, चावल दाल बस थोड़ा सा वो था, गला नहीं था अच्छे से, ये पहाड़ी इलाका ना इधर का पानी अलग रहता है इसलिए गलता नहीं है दाल जल्दी से, तो बाकी ठीक था। प्राकृतिक सौंदर्य है और बहुत कुछ है यहाँ पे। एक इस तरह का सलम पांजा करके एक वो भी मिलता है, पेड़ क्या है पौधा, ये 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पे होता है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। रूट है, अब बीच बीच में शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ड्राइविंग कर रहा हूँ, और अभी अच्छा धूप निकला हुआ था, अभी एकदम फिर से बदली बदली आ गया। और वहाँ पे देख सकते हो हिमालय, हिमालय मतलब पहाड़ों में पूरा बर्फ जमा हुआ है, अभी फिर से धुंध छा रहा है। काफ़ी अच्छा सीनिक लोकेशन है, बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे। यहाँ से चोपता 5 किलोमीटर है, अभी हम लोग आए गुप्तकाशी से ऊखी मठ होते हुए चोपता जा रहे हैं, जो कि शॉर्ट रूट है बद्रीनाथ के लिए। तो अभी भी हमको 7 बज जाएंगे शाम के बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते, तो देखते हैं। और देखो यार कैसे पेड़ हैं, कितने ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं ना, भले आपको छोटे लग रहे हैं ये पहाड़ों में, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो कितनी हाइट है ना। तो माँ पापा चावल पी रहे हैं वहाँ पे, तो मैं सोचा थोड़ा ब्लॉग कर लूँ क्योंकि बैठे बैठे ड्राइव करते करते मैं तो बोर लग रहा था, लेकिन बोर नहीं, बहुत ख़तरनाक रोड था बीच में। तो मतलब 3 किलोमीटर जो था, हम लोग इस पहाड़ से, इस पहाड़ आए मंदाकिनी रिवर क्रॉस करके, तो 3 से 4 किलोमीटर पूरा कच्चा रोड था, एकदम कच्चा रोड, और ऊपर से बारिश हो रहा था, ऐसे रोड में वो पानी बह रहा था, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया था ड्राइविंग। तो मैं उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था, अगर गोप्रो रहता ऐसे सामने तो अच्छा शूट होता। एकदम कश्मीर जैसे लग रहा है, ये देवभूमि है भाई, लेकिन ये उत्तराखंड है ये। अरे देखो पेड़ देखो ना, कितने हाइटेड है ना, ऐसे नहीं लग रहा आपको कि छोटा छोटा है, लेकिन एक्चुअल में देखो इन लोग सब सोए सोए आ रहे थे, जगाया इसको ना उधर, वो बर्फ है पता है वो, कश्मीर तो कुछ नहीं है यार इसके सामने। यहाँ पे इतना मतलब पवित्र जगह है, देवभूमि है ये। कश्मीर का अलग लुक है, सौंदर्य है, लेकिन इसका भी अलग ही मजा है, तो हर जगह जाना चाहिए। चाय पी रहे हैं भाई, चाय पियो, मंकी कॉफी। चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो दीदी वहाँ पे शूट कर रही है, और यहाँ से नज़ारा कुछ और ही है भाई, देखो जबरदस्त। तो देखो मैं यहाँ पे अपडेट देने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी बना रहा हूँ। ये देखिए क्या मस्त लग रहे हैं खच्चर यहाँ पे चढ़ रहे हैं, और व्यू 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 इसी को देखने के लिए आते हैं इतने दूर, क्या व्यू है। अरे यहाँ पे सब रास्तों में खड़े होकर सब फोटो ले रहे हैं ना, इसलिए चिल्ला रहे सब। इधर भी देखो पहाड़, जगह में लोग खच्चर लोग घास चर रहे हैं भाई, इतना अच्छा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कोई स्विट्जरलैंड जगह जैसे जगह आ गए हैं, फॉरेन कंट्री रहते हैं ना उस तरह का लग रहा है यहाँ पे। ये सब खच्चर में भाई केदारनाथ चढ़े थे हम लोग और उतरे थे, और देखो व्यू यार, व्यू व्यू के लिए तो आते हैं हम लोग। हाँ क्या नज़ारे हैं, कश्मीर में जाओ तो उसके अलग नज़ारे हैं, वहाँ के पेड़ पौधे थोड़े पहाड़ अलग हैं, वादियाँ अलग है, देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो बद्रीनाथ में अलग है, केदारनाथ में अलग है, तो मतलब अलग अलग पहाड़ों में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीज़ें हैं, तो वे देखने के लिए आना चाहिए, और एक बार इधर ज़रूर आओ। सब रील्स बना रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, इसलिए टाइम हो गया यहाँ पे, चलते हैं बाय। तो अभी हम लोग जोशीमठ से 13 किलोमीटर पहले रुके, क्योंकि रात हो गया था, 8:30 बज चुका था, इसलिए इस वाले होटल पर रुके हैं। जस्ट अलकनंदा रिवर क्रॉस करने के बाद है ये,
वहाँ रुके, मेरा बैग निकालो, यहीं रुकेंगे क्योंकि 8 बज गए, 8 बजने के बाद हमारे यहाँ भूत आ जाता है, इसलिए रुक रहे हैं। बहुत दिमाग खराब होता है यार आपका। बगल वाला रूम और है जिसमें लेडीज लोग रहेंगे, तो बढ़िया सा नज़ारा भी है यहाँ से बाहर से। सुबह दिखाऊंगा, अभी तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए इतने गाइस, कल शायद बद्रीनाथ करेंगे, आज बद्रीनाथ के लिए नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर और है, टाइम लगेगा। रात हो गया वैसे भी और इट्स 8:36, तो आराम से सोते हैं, सुबह आराम से उठ के जाएंगे।